इसराइल हमास के बीच छिड़े युद्ध में हिजबुल्ला लगातार इसराइल पर दबाव बना रहा है। अपने खतरनाक ड्रोन और मिसाइलों से इसराइली एयर स्पेस में घुसकर हमले भी कर रहा है। हिजबुल्ला लड़ाके लगातार इजरायली सेना और उसके ठिकानों पर रॉकेट से बरसा रहे हैं। लेबनान का हिजबुल्ला भी इजरायली सेना के लिए बड़ी मुसीबत बना हुआ है। हिजबुल्ला लगातार इसराइल के उत्तरी हिस्से पर हमला कर उसे दहला रहा है। हिजबुल्ला के ताबड़तोड़ रॉकेट, मिसाइल और ड्रोन हमलों से इसराइल में तनाव चरम सीमा पर है और अपने अभियान को जारी रखते हुए हिजबुल्ला ने एक बार फिर इसराइल को दहलाया है। हिजबुल्ला ने उत्तरी कब्जे वाले फिलिस्तीन में स्थित विभिन्न इजरायली सैन्य ठिकानों और सेना के ठिकानों को निशाना बनाया है। ऐसा करके हिजबुल्ला ने अब खुलेआम जंग का ऐलान कर दिया है। हिजबुल्ला ने बताया कि इस ऑपरेशन में उसके एक लड़ाके की अलकुद्स के रास्ते पर लगी चोटों के कारण मृत्यु हो गई। शहीद की पहचान इब्राहिम हसन फदेल के रूप में हुई है, जो 2003 में दक्षिण लेबनान के टॉलाइन शहर में पैदा हुआ था। हिजबुल्ला ने घोषणा की कि उसने दोपहर 12 बजे से लेकर 12:15 बजे के बीच दो बार अल राहिब सैन्य स्थल पर जासूसी और निगरानी उपकरणों को सफलतापूर्वक निशाना बनाया और पहला हमला तोप के गोले दाग कर किया। उसके बाद ड्रोन से दूसरा हमला किया गया। हिजबुल्ला के हमले यही नहीं रुके, ठीक 2 घंटे बाद यानी कि 2 बजे समूह ने हदाब यारोन साइट के पास एक इजरायली सैन्य तैनाती को तोप से निशाना बनाया। बाद में शाम 4:40 कब्जे वाले लेबनानी शेबा फार्म में जिबदीन साइट पर प्रतिरोध द्वारा रॉकेट लॉन्च किए गए। इसके बाद शाम 4:45 कफार चौबा पहाड़ियों में रामथा साइट पर एक और रॉकेट हमला किया गया। इसके बाद ठीक 5:15 भी हमले जारी रहे, जब हिजबुल्ला के लड़ाकों ने उपयुक्त हथियारों के साथ बायत बिल्डाल साइट पर एक इजरायली तैनाती को निशाना बनाया। 5:25 तोपखाने के गोले हनीता बेस के आसपास एक इजरायली सभा पर गिरे। रुएसत अल आलम साइट से शेबा फार्म और कफार चौबा पहाड़ियों के बाहरी इलाकों और बागों में मशीन गन का उपयोग करके किए गए इजरायली हमलों के जवाब में लेबनान में इस्लामिक प्रतिरोध ने कहा कि उसने मशीन गन से निशाना बनाया। फिर 7:10 समूह ने राहिब साइट के पास एक संयुक्त सैन्य और खुफिया बल पर रॉकेट से हमला किया, जिससे सीधा हमला किया गया। हिजबुल्ला के भीषण हमलों से इसराइल में तनाव है। इसी को देखते हुए इसराइली रक्षा बलों के प्रवक्ता रियर एडमिरल डैनियल हैगरी ने कहा कि इसराइल एक महत्वपूर्ण सप्ताह के लिए तैयार है। हैगरी ने जनता से सतर्क रहने की अपील की है, क्योंकि ऐसी आशंका है कि हिजबुल्ला एक बार फिर से बड़ा हमला कर सकता है। उन्होंने कहा कि सेना किसी भी संकेत के बारे में तुरंत अपडेट करेगी। Short while ago, the IDF identified Hezbollah terrorist organization preparing to fire missiles, rockets towards Israeli territory. In a self-defense act to remove these threats, the IDF is striking terror targets in Lebanon from which Hezbollah was planning to launch their attacks on Israeli civilians. This follows more than 6,700 rockets, missiles, and explosive UAVs fired by Hezbollah at Israeli families, homes, and communities since October 8th. Hezbollah will soon fire rockets and possibly missiles and UAVs towards Israeli territory. We will shortly update the Home Front Command defensive guidelines for those in Israel. From right next to the homes of Lebanese civilians in the south of Lebanon, we can see that Hezbollah is preparing to launch an extensive attack on Israel while endangering the Lebanese civilians. We warn the civilians located in the areas where Hezbollah is operating to move out of harm's way immediately for their own safety. Hezbollah's ongoing aggression risks dragging the people of Lebanon, the people of Israel, and the whole region into a wider escalation. Israel will not tolerate Hezbollah's attacks on our civilians. We are operating in self-defense from Hezbollah and any other enemy that joins in their attacks against us, and we are ready to do everything we need to defend the people of Israel. ये चेतावनी ऐसे समय में आई है जब संयुक्त चीफ ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष अमेरिकी वायुसेना के जनरल चार्ल्स क्यू ब्राउन ने मिडिल ईस्ट में एक अघोषित यात्रा शुरू की है ताकि क्षेत्रीय युद्ध से बचने के तरीकों पर चर्चा की जा सके। लेकिन जिस तरह से हिजबुल्ला उत्तरी इसराइल पर कहर बरपा रहा है, इससे इसराइल को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हिजबुल्ला के इन हमलों से इसराइल को भारी नुकसान हो रहा है। हाल ही में हिजबुल्ला ने कीरियत शमोना पर रॉकेटों से हमला किया। इसके साथ ही इसराइल के करीब 14 सैन्य ठिकानों पर भी हमला किया गया। हिजबुल्ला के लगातार हो रहे हमलों से इजरायली बल अलर्ट तो है,
लेकिन वे दो फ्रंट पर जंग लड़ने के लिए मजबूर हैं। हिजबुल्ला के हथियार और घातक ड्रोन इसराइल के आयरन डोम को भी चकमा देने में कई मायने पर खरे उतरे हैं। ऐसे में किसी बड़ी जंग की शुरुआत से इसराइल के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं।